गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं उठ चुका हूँ और मैं ग्रीन टी पी रहा हूँ और मेरे साथ मेरी बेटी है जिसका अभी दूसरा दांत टूटने वाला ही देख लीजिए। नाटक देखिए, मुझे रोज ऐसे नाटक का पंचायती करना पड़ता है, रोज मुझे ऐसे नाटक की पंचायती करनी पड़ती है। कभी ये इसको मारती है, कभी वो उसको मारती है और बीच में पंच हम एक नए पंच आए हुए, कभी साइलेंस है और हम वायलेंस हो जाते हैं कभी इन लोगों के चक्कर में। देखिए ये खेल है, ये खेल जो है बहुत लंबा चलने वाला है। मैं पी रहा हूँ ग्रीन टी झूले पर बैठ के और इसके मैं तैयार होने जाऊंगा और वो भी मेरे कप में, वो भी इनके कप में, कप पे भी यहाँ कॉपी राइट है। ये गुड़िया वाला कप जो है सो इनका कप है। किटू का दांत देखिए, किटू का दांत दिखा, दांत दिखा, दांत दिखा कैसे हिलता, हिला के दिखा एक बार। अरे दीदी हिला के दिखाओ, एक खिड़की खुल गया है, दूसरा खिड़की खुलने वाला है। तो अभी हम लोग, मैं ग्रीन टी पी चुका हूँ, मैं थोड़ा सा हल्का फल्का एक्सरसाइज कर चुका हूँ और मैं तैयार होकर आपसे बात करता हूँ फिर। टेक केयर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर गौरव कुमार और आज मैं आप लोगों के साथ अपना दिन पूरा बिताने वाला हूँ। तो मैं नहा धो के तैयार हो चुका हूँ, आप देख सकते हैं मेरी घड़ी में 10 बज चुके हैं, 10:59 और हम लोग काम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने काम की। और आज एक एक्स्ट्रा रूटीन भी है मेरे साथ, आज मुझे बाबू के स्कूल भी जाना है। तो मैं कुछ पेशेंट्स को देख करके बाबू के स्कूल जाता हूँ, फिर कुछ पेशेंट्स को देखता हूँ, मिलते हैं फिर। चलिए एक दो पेशेंट आपके साथ देख लेता हूँ। क्या नाम है इनका? प्रियंका कुमारी। बोलिए इनके बारे में बताइए, ये सब जो पुर्जा है कहाँ का पुर्जा है? हाजीपुर में दिखा रहे थे, हाजीपुर में दो जगह इलाज हुआ है नहीं? चलिए क्या दिक्कत है, कब से दिक्कत है प्रियंका को पहले हमको ये बताइए। इनका उम्र कितना है लगभग? 13 साल। और घर कहाँ हो गया? थाना क्या पड़ा? जिला वैशाली। क्या इनको दिक्कत है, कब से दिक्कत है सो बताइए। 1.5 साल। 1.5 साल के पहले बिल्कुल ठीक थी? होम्योपैथिक इलाज भी चला है इसका, होम्योपैथिक इलाज भी चला है दो जगह। तो मतलब कि देखें पुर्जा हाजीपुर का है दोनों। यहाँ पहली बार लाए हैं? क्या इसको दिक्कत है सो बताइए। दो चार आदमी को अगर बात करता है तो प्रियंका को ऐसा लगता है कि हमारे बारे में लोग बात कर रहा है, हमारे पीछे लोग पड़ा हुआ है, हमको मारना चाह रहा है, हमको मरवाना चाह रहा है, मेरे बारे में गंदा गंदा बात कर रहा है, इस तरह का लगता है कभी? रात में नींद कैसा आता है? माँ पे हाथ छोड़ती है, घर से निकल के भागती भी है, देवता पितर का नाम लेती है कि दुर्गा है तो काली है। खाना वाना बनाती है घर का? अभी नहीं बनाती है। अच्छा, इस तरह की बीमारी आपके परिवार में, खानदान में पहले कभी किसी को हुआ था बताइए। कितना दिन पहले का ही बात है? 2 साल पहले का ही बात है। दिमाग बढ़ने के लिए इसको दिए थे? पढ़ाई लिखाई कुछ की है कि नहीं? आज कौन सा दिन है प्रियंका? शनिवार? ना, आज शनिवार नहीं, आज बुधवार है। तारीख क्या है? तारीख मिस्टेक हो जाता है, 8 तारीख है बाबू। अच्छा एक बात बताइए, कभी अकेले में अपने अपने मुस्कुराना या अपने अपने बुदबुदाना ऐसा कभी होता है? काम करना नहीं चाहती है? दिन भर कैसे बिताती है, क्या करके बिताती है दिन भर? खाना पीना खाती है ठीक से? यहाँ पहली बार लाए हैं। देवेंद्र जी के बारे में बताइए, बोलिए। देवेंद्र जी का उम्र बताइए, घर का पता बताइए, पटना के अलावा और कहीं?
कहीं इलाज हुआ था? मेरे साथ है मिस शिवांशी सिंह और इसकी मम्मी। आज हम लोग जा रहे हैं प्रभात तारा स्कूल। आज पेरेंट टीचर मीटिंग है, तो फिलहाल बज रहा है 10:47 यानी 10:45। टाइमिंग है 10:30 से 11:30 के बीच में। इनका रोल नंबर 48 और हम लोग हैं फिलहाल मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर का है दूसरा नाम बदल के कर देना चाहिए जामपुर। गाड़ी नहीं चल रही है, आप देख सकते हैं पीछे से मेरी गाड़ी रुकी हुई है। मैं चौराहे पे हूँ और जाम लगा हुआ है एज इट इज़। देखते, मैं कुछ नाश्ता कर लेता हूँ, कुछ निकाल के दो सामने रखा हुआ। मैं नाश्ता मैं गाड़ी में करने पसंद करता हूँ। इससे फ़ायदा क्या होता है कि टाइम बच जाता है। जाम में अगर आप फंसते हो तो आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं होता है। फिर तो अभी तक हम लोग स्कूल पहुँचे नहीं है किट्टू के। अभी पहुँचना है स्कूल, ऑलमोस्ट हम लोग रास्ते में हैं। 5 मिनट और क्या नंदलाल जी? नंदलाल जी हमको रोज ड्यूटी करवाते रहते हैं। हाँ, क्या वो गाड़ी चलाने आता है? काम चलाऊ चला लेते हैं, बट नंदलाल जी हम गाड़ी चला लेते हैं ना, लेकिन हम चलाते नहीं हैं। ज़्यादा बर्डन लेने से कोई फ़ायदा है नहीं। वैगन आर बैठा हुआ है, स्विफ्ट जो आजकल चल रहा है। पहले स्विफ्ट बैठा रहता था, वैगन आर चलता था, और वैगन आर बैठ गया, स्विफ्ट चल रहा है। लाइफ में तो ये सब होता रहता है, कभी धूप कभी छांव, समय एक साथ नहीं रहता है। आदमी को ज़्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए, समय परिवर्तनशील है। है किट्टू? किट्टू की क्लास टीचर का नाम क्या है? पूर्णा मैम। और प्रिंसिपल जी का नाम क्या है? सिस्टर टेरेसा। वेरी गुड, सिस्टर टेरेसा आपको बहुत प्यार करती है ना। पूनम मैम भी बहुत प्यार करती हैं ना। लेकिन टीचर्स के नाम पे बच्चों के स्माइल आ जाते हैं एकदम। और किट्टू का स्माइल अभी एक खिड़की खुला है, खिड़की दिखाओ। नीचे का दांत मिसिंग है, बट इट्स ओके। आने वाला पल जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। हाँ हाँ, आने वाला पल जाने वाला है। किट्टू एक प्रेयर गाएगी, तुम ही हो माता पिता, तुम ही, चलो दोनों आदमी गाते हैं। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही। हाय गाइस, हम लोग मास्क लगा लिए हैं, स्कूल आ गए हैं कॉपी लेके। किट्टू अपना कॉपी ले लेना। किट्टू का स्कूल देखिए, आपको दिखाता हूँ। यहाँ किट्टू जी का स्कूल, किट्टू जी के स्कूल में मम्मी पापा सब लोग मौजूद हैं। Thank you.
आ गए किट्टू के स्कूल। अब तुम्हारा हाई नहीं हो रहा, मेरा हाई हो रहा है। आ गए किट्टू के स्कूल और देखिए ओ सही है, कोविड 19 के लिए बहुत जरूरी है। कौन सा क्लास है सर? 1B मॉन्टेसरी। 1B हाँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलो किट्टू, किट्टू अपना क्लास पहचानती हो? हाँ। टीचर अंदर हैं, एक पेरेंट्स अंदर हैं, मदर फादर और किड, हम लोग वेट कर रहे हैं बाहर। किट्टू कैसा लगा? किट्टू की मम्मी स्कूल आ गए? बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम आया स्कूल में ना? नहीं, बहुत बड़ा है। नहीं मतलब बच्चा को लेकर फर्स्ट टाइम आया ना। ड्रेस पहना के तो ड्रेस दिखाओ किट्टू, ड्रेस दिखाओ। दिखाओ कॉपीज, कॉपीज दिखाओ, कॉपी दिखाओ भाई। ये कॉपी किट्टू का, किट्टू की हैंडराइटिंग देखिए, किट्टू की हैंडराइटिंग। ये कौन बनाया है तस्वीर? और ये वाला सर मैं, चलो अच्छा किसका है ये तस्वीर? सारा मैं बनाया हूँ, क्यूट है तस्वीर, बहुत अच्छा। चलो इसमें रखो कॉपी सारा। स्कूल में आ गए हम लोग क्लास के बाहर। तू हाय करो। ओ किट्टू चलो अब वेट करो स्कूल में। ये स्कूल है किट्टू का। कौन दिया है, क्या दिया है? क्या बात, बात नहीं रहा था। तो पेरेंट टीचर मीटिंग हो गया, हम लोग सिस्टर जी से भी मिल लिए और बच्चे बहुत काफ़ी ज़्यादा खुश हैं स्कूल आके काफ़ी दिनों के बाद। फिर अब मैं चलता हूँ अपने दूसरे क्लिनिक पे। किट्टू चले? किट्टू खूब इंजॉय कर रही है क्लास में, स्कूल आई थी, डांस करके दिखाएगी आप सब लोगों को। डांस सिखाने में आ गई स्कूल से, मैं तो उसे जुत्ती खोल ली हूँ, अपन जुत्ती खोल ली हूँ तो सोचो पार्टी हो जाए। पूरा तुम लोग को बहुत एलर्जी पड़ा था तो पिता देख रहे बहुत हो रहा है, आखिर खुल ही नहीं रहा है पूरा। मैंने सोचा है मुझको मेरा कुमार नहीं बोलती हूँ ताको ये अच्छा नहीं होगा। मैं इसे खा रही हूँ। अब दीदी घर पे देखेगी ना मोबाइल तो तुमको बहुत पीटेगी, कहेगी अकेले अकेले खा रही हो बेटे चिप्स खाती हो। हाय हाय काफी हाया। तो दोस्तों मैं अभी अपने जूरन छपरा क्लिनिक से वापस जा रहा हूँ गोरिया बाजार क्लिनिक पे और फिलहाल मैं हूँ कल्याणी चौक पे। कल्याणी चौक का मंजर आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा जाम है यहाँ पे, लोग जो है बेतरतीब पार्किंग कर देते हैं यहाँ पे और पार्किंग के कारण बहुत ज़्यादा कंजस्टेड रहता है यहाँ का रोड।
और कंजेस्टेड होने से जो बाकी के लोग होते हैं जिनको जाना आना होता है उनको थोड़ी सी परेशानी तो जरूर आती है। यहाँ मुजफ्फरपुर में अगर आप किसी भी जगह में 10 मिनट का रास्ता है तो कम से कम 1 घंटा लग जाएगा आने जाने में। क्या किट्टू मेरे साथ है शिवांशी सिंह। देखिए भाई साहब को गाड़ी बीच रोड पे रोक के आराम से पता नहीं क्या सोचते हैं लोग। तीज की तैयारी चल रही है यहाँ पे, तीज के लिए डलिया वगैरह सब रखा हुआ है। चाची जो है गमछा वमछा सुखा रही हैं, कंबल वगैरह। कई सारे लोग फल वगैरह की शॉपिंग कर रहे हैं। मार्केट पता नहीं खाली सा क्यों लग रहा है, शायद कोरोना का प्रोटोकॉल का लोग। देखिए मास्क बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, ये चीज़ मैं देखता हूँ बहुत कम। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर वापस फिर से कोरोना आ जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा तबाही हो जाएगी फिर से। लोग अपनी गलतियों से सबक नहीं लेते हैं, और गलतियों से सीख लें तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरी लहर में जो तूफान मचा था, जो हाई तवा मची थी, पता नहीं तीसरी लहर में भी वही सब होने वाला है। अगर तीसरी लहर आती है तो शायद हमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। एज ए डॉक्टर, एज ए इंडिविजुअल, एज ए पब्लिक बहुत ज़्यादा खराब लगता है, लोग मास्क का प्रयोग करना ही नहीं चाहते। 10-20 में एक, और सबसे बड़ा सेंस ऑफ ट्रैफिक में एक कमी है कि आके सीधे सामने लगा देंगे गाड़ी। इधर भी एक बाइक लगा हुआ है, इधर भी एक बाइक लगा हुआ है। भाई जी बाइक को हटा रहे हैं, थैंक यू। पता नहीं लोगों को मतलब शर्म नहीं आती है या समझ नहीं आता है। हाँ हटाएगा नहीं ये है मंदिर बजरंगबली का। जय सियाराम, जय हनुमान। हम लोग आ चुके हैं फिलहाल, अभी छोटी कल्याणी से बाहर निकल गए और अब आ गए हम लोग हरिसभा चौक की तरफ जा रहे हैं। तो हम लोग अपने घर का एक सर्कल पूरा कर लिए, घर जैसे पहुंचेंगे एक सर्कल पूरा हो जाएगा घर का। चचा रिक्शा रोक के खड़े हैं यहाँ पे, लगता है कोई कस्टमर है वहाँ जिसका वेट करें चचा, वरना धूप में खड़े क्यों होंगे। आंटी जो है रिक्शा रोक के जाती हैं शॉपिंग करने। अरे ये रुको भैया नहीं तो पैसा नहीं देंगे। रिक्शा वाले चचा धूप में खड़े थे बेचारे, तो आंटी उनको परेशान किए हुए हैं। चलिए फिर, हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक। फिलहाल हम लोग जूरन छपरा वाले क्लिनिक से जा रहे हैं अघोरिया बाजार वाले क्लिनिक पे, और फिर वहाँ पे भी अभी अभी काम करूँगा मैं शुरू। और अभी फिलहाल बज रहा है एक, और एक बजे तक मेरा 25% काम मैंने कर लिया है। किट्टू का पीटीएम में गए थे शिवांशी के पेरेंट टीचर मीटिंग में, क्लास टीचर का बहुत अच्छा फीडबैक था, बहुत इसकी प्रशंसा कर रही थी कि इसका डांस बहुत अच्छा था स्कूल में। टीचर्स डे पे इन्होंने डांस किया था वहाँ, है ना शिवांशी? किस गाने पे किया था डांस बता दो सबको। ठारे रही हो सूबेदार चाहे, इस गाने पे इन्होंने डांस किया था। मारा बनना छोड़ के बनने रोज क्लब में जावे, तो ये काफ़ी अच्छा डांस की थी वहाँ पे, और इनकी प्रिंसिपल बहुत प्रेज कर रही थी। मैं पोस्ट में फ़ोटो भी डालूंगा इनकी प्रिंसिपल का, बहुत इनको चॉकलेट भी मिला वहाँ पे आज। इट्स ओके इट्स ओके, चॉकलेट मम्मा जी खा गई कोई बात नहीं। मम्मा जी का काम ही है चॉकलेट खाते रहना। तो हम लोग फिलहाल रास्ते में हैं और जाम से निकल चुके हैं, और बस अब 5 मिनट में मैं पहुँच जाऊँगा अपने क्लिनिक पे, और फिर वहाँ पहुँच के मैं आपसे बातें करता हूँ काम करने के बाद। देखते हैं आज कितने बजे काम ख़त्म होता है और फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं, हम लोग फिर कनेक्ट करेंगे एक दूसरे से। और मुझे 2-3 लोगों ने बोला था कि आप ब्लॉगिंग कीजिए, इसलिए मैं सोचा था कि एक दिन का कोशिश करते हैं कैसा होता है, देखते हैं लोगों को कैसा लगता है। मैं आ चुका हूँ अपने क्लिनिक पे और मैं आपको दिखाता हूँ, और नंदलाल भाई पहुंच चुके हैं क्लिनिक के पास बिल्कुल। मुझे अब मास्क लगाना पड़ेगा। मास्क और चलो नंदा तुमको छोड़ यहीं पे उतर जाऊँ क्या मैं? 5-10 मिनट रुक जाओ फिर उसका चले जाना। क्या बाहर रहने दीजिए, चले जाइए आप, निकल जाइए फिर हम निकलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ वापस अपने क्लिनिक में,
काम वाम थोड़ा बहुत निपटा के और फिर से काम शुरू करते हैं। फिलहाल बज रहे हैं 1:05। मैं अब थोड़ा सा सत्तू पी लेता हूँ, सत्तू के लिए एक ब्रेक बनता है, फिर उसका काम शुरू करता हूँ। मेरा सत्तू आया हुआ है, सत्तू पी करके काम शुरू करता हूँ वापस, फिर काम को स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ बैठिए सामने। बोलिए प्रणाम, क्या समाचार है उमेश बाबू? उठा है पहले का लाइट दीजिए तो देखिए जरा। बज गए हैं 5 और मेरा लंच टाइम हो रहा है, तो मैं थोड़ा लंच कर लेता हूँ और लंच करते वक्त आपसे बात करता हूँ। हम दोनों साथ बैठ के लंच करेंगे और लंच के बाद फिर बात करता हूँ।